हेलो बच्चों, क्लास 12th बायो में आपका 6th चैप्टर कंटिन्यू है, वंशागति के आणविक आधार, जिसमें आप आज 6.8 जीन अभिव्यक्ति का नियमन ये पढ़ेंगे। ये आपको बताया जाएगा। इसमें जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है, जो विभिन्न स्तरों पर होती है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ये अणु होते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिससे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रिकी के नियमन कई स्तर पर हो सकता है। का पॉइंट आता है बच्चों इसका। अनुलेखन स्तर, प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण। खा, संसाधन स्तर, संबंध का नियमन, जिससे संबंध का नियमन व्यापक हो जाए। नंबर गा, दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन, ट्रांसपोर्टेशन। मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्टेशन। घा है स्थानांतरीय स्तर। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जीन कोशिका में अभिव्यक्ति होकर एक विशेष कार्य का या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरणार्थ इशीरिया कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेट उत्पन्न होते हैं, और वो डाइसैकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे जीवाणु ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। लैक्टोज, जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत हैं, की अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। इस कारण से साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है, जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है, और एक भ्रूण या वयस्क जीव में विकसित या विभेदन जीन के विभिन्न समूह की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। असीम केंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रक के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उनायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता, अतिरिक्त प्रोटीन के पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित किया जाता है, जो प्रारंभिक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ये नियामक प्रोटीन सहयोगात्मक सक्रिय एक्टिवेटर में असहयोगात्मक दमनकारी रिप्रेसर दोनों के रूप में कार्य सकते हैं। असीम केंद्र की डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशिष्ट अनुक्रम में, जिसे प्रचालक ऑपरेटर कहते हैं, से अन्योय के द्वारा नियमित होती रहती है। अधिकतर प्रचालक ऑपरॉन के प्रचालक स्थल उन्नाव के भाग के पास ही स्थित होता है, और अधिक स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बन जाते हैं। प्रत्येक ऑपरेंड का अपना एक विशेष प्रचालक व दमनकारी रिप्रेशर होता है। उदाहरण लैक प्रचालक, केवल लैक प्रचालक, प्रचालिक, लैक प्रचालिक एलसी ऑपरेटर से मिलता है। ये विशेष रूप से लैक दमनकारी एलसी रिप्रेशर में आपस की क्रिया करता है। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे।